जीत उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने जींद चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। जींद उपचुनाव को लेकर जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अभी उम्मीदवार का ऐलान करने पर सिर्फ विचार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर सांसद राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने बाजी मारते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विनोद आश्री के नाम का ऐलान किया और पूरे दावे के साथ कहा कि जींद उपचुनाव में सिर्फ उनकी पार्टी के उम्मीदवार को ही जनता का साथ मिलेगा। जींद के अंदर जो डिक्लेयर हुआ है उस उपचुनाव के अंदर जींद में हमारी कमेटी की मीटिंग हुई और उस कमेटी में जो हमारे कैंडिडेट की घोषणा आज हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर मोहर लगी। सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मैं ये घोषणा करता हूं कि जींद के उपचुनाव में हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट भाई पंडित विनोद आश्री जी रहेंगे। ये तो समानता की लड़ाई है, राजकुमार सैनी जी के मुद्दों की लड़ाई है और इसमें सभी बिरादरियां सभी बिरादरियों से सहयोग मिल रहा है। बात कास्ट जात पात की नहीं है, जो अन्याय हुआ है अब तक उसकी लड़ाई है। ये तो किससे चुनौती मानते हैं? चुनौती किसी से नहीं है हमारी, किसी भी पार्टी से चुनौती नहीं है और आप देखिए हमारी पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे दमखम से अपना इलेक्शन लड़ेगी और मैं आपको भगवान की दुआ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। हिंद एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।